हेलो दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर देशों में जाने के लिए उस देश की सरकार से परमिशन लेना होता है और वहाँ की सरकार को टैक्स के तौर पर कुछ पैसे देने होते हैं, जिसे वीज़ा कहा जाता है। लेकिन दुनिया में ऐसे कई देश मौजूद हैं जहाँ भारतीयों को जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है और हर एक भारतीय उस देश में फ्री में जा सकता है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ दुनिया के 20 ऐसे देशों के बारे में जहाँ भारतीय फ्री में जा सकते हैं। मैं जिन कंट्रीज के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उन सभी कंट्रीज के बारे में एक एक करके मैं हर वेनेसडे को वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त हैदर अली खान और आप देख रहे हैं HR के ऑसम हब। मैं एजुकेशन और नॉलेज बेस्ड वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको एजुकेशन और नॉलेज बेस्ड वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन सब में सबसे पहले नंबर आता है नेपाल का, जो भारत के उत्तर में मौजूद है। नेपाल में जाने के लिए वीजा तो दूर की बात है, वहाँ जाने के लिए आपको पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। बस आपके पास कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए और आप वहाँ जा सकते हैं। दूसरा देश है भारत का पड़ोसी देश भूटान। भूटान अपने नेचुरल खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और आप यहाँ बिना वीजा के 30 दिनों तक रह सकते हैं। तीसरा देश है प्रशांत महासागर में वाके एक छोटा सा देश फिजी। फिजी टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ पर बहुत सारे भारतीय रहते हैं और यहाँ पर हिंदी भी काफी बोली जाती है और आप यहाँ बिना वीजा के 120 दिन तक रह सकते हैं। चौथा देश है जमैका। जमैका लैंड ऑफ ब्यूटी के नाम से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है और आप यहाँ पर 30 दिन तक बिना वीजा के रह सकते हैं। पांचवा देश है जॉर्डन। जॉर्डन एक बहुत ही खूबसूरत देश है और आप यहाँ पर बिना वीजा के 7 से 14 दिन तक रह सकते हैं। छठा देश है कंबोडिया। कंबोडिया में आप 30 दिन बिना वीजा के रह सकते हैं। सातवां देश आता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया पूरी दुनिया में टूरिज्म के लिए फेमस है और अपने कल्चर की वजह से यह पूरी दुनिया में जाना जाता है। आप इंडोनेशिया में 30 दिन तक बिना वीजा के टूरिज्म पर्पस से जा सकते हैं। आठवां नंबर है मकाओ का। पिछले कुछ सालों में मकाओ ने जबरदस्त तरक्की की है और आप यहाँ पर बिना वीजा के 30 दिन तक रह सकते हैं। नवे नंबर पे आता है हांगकांग। हांगकांग का नाम किसने नहीं सुना है और यहाँ कौन नहीं जाना चाहता। भारतीय बिना वीजा के हांगकांग में 14 दिन तक रह सकते हैं। दसवां नंबर आता है केन्या का। केन्या जंगली जानवरों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। वाइल्ड लाइफ के लिए केन्या पूरी दुनिया में जाना जाता है और भारतीय बिना वीजा के केन्या में 30 दिन तक रह सकते हैं। 11वां नंबर आता है मालदीव्स का। मालदीव्स एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है और खूबसूरती के लिए ये पूरी दुनिया भर में फेमस है और बहुत सारे भारतीय यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। मालदीव्स में भारतीय 90 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं। 12वां नंबर आता है मॉरिशस का। मॉरिशस बीचेस के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ इंडियंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। मॉरिशस में भारतीय 90 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं। 13वां नंबर आता है इक्वाडोर का। इक्वाडोर अपने रिच कल्चर और हिस्ट्रिकल अट्रैक्शन की वजह से पूरी दुनिया भर में फेमस है। ये साउथ अमेरिका का एक बहुत ही डेवलप कंट्री है। भारतीय यहाँ 90 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ भारतीय बहुत ही कम जाते हैं। 14वें नंबर पर आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कम वक्त में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले देशों में आता है और यहाँ पर भारतीय 30 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं। 15वां नंबर आता है थाईलैंड का। थाईलैंड के बारे में कौन नहीं जानता और यहाँ पर भारतीय बिना वीजा के 15 दिन तक रह सकते हैं। 16वां नंबर आता है फलस्तीन का। फलस्तीन का नाम किसने नहीं सुना है। फलस्तीन मिडिल ईस्ट में वाके एक छोटा सा देश है। फलस्तीन अपने कल्चर, धार्मिक स्थल और इतिहास के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारतीय यहाँ बिना वीजा के 30 दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन समंदरी रास्ते से गाजा में जाना मना है। 17वां नंबर आता है श्रीलंका का। श्रीलंका में भारतीय 30 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल परमिट होना जरूरी है। 18वां नंबर आता है लाओस का। लाओस एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ भारतीय 30 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं। 19वां नंबर आता है सेशेल्स आइलैंड का। सेशेल्स तुर्की के पास मौजूद एक छोटा सा देश है। यहाँ पर भारतीय 90 दिन तक बिना वीजा के रह सकते हैं, लेकिन यहाँ भारतीय सेशेल्स के सिर्फ उत्तरी भाग में रह सकते, जो टर्की के अंडर में आता है। और 20वां नंबर आता है बोलीविया का। यहाँ पर भारतीय 30 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर आप इन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं या इन कंट्रीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मैं हर वेनसडे को एक एक करके इन सभी कंट्रीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और अपने इसी चैनल HRK पर डालूंगा। तो वेनसडे यानी बुधवार का शो मिस मत कीजिएगा, और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हमें ये बताएं कि आप किस कंट्रीज़ के बारे में जानना चाहते हैं।